हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग तो कर दूंगी और जो भी जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग नहीं थी पहले से ही, लेकिन हुआ ये कि सुबह मॉर्निंग में हम लोग उठे, उसके बाद में मैंने हैदू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, हैदू को खाना खिलाया। उसके थोड़ी देर के बाद ही पता नहीं क्यों हैदू को ना फीवर आ गया, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। तो अभी शाम हो गई है, मैं उसको सुला रही थी तो उसने बोला मम्मा आप भी सो जाओ मेरे साथ। तो उसको सुलाते सुलाते मैं थोड़ी देर सो गई थी उसके साथ में, और उसके बाद अभी फिर से उठा था और उसको अभी फिर से मैंने सुला दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वो सो रहा है, और अभी फिलहाल ना मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद में इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कस्टर्ड तो मैंने बना लिया था, तो कस्टर्ड बाद में निकालेंगे। अभी सबसे पहले ना मैं ये निकाल लेती हूँ, वाटरमेलन। तो ये कल मम्मी लेकर आए थे, तो आज मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो चलिए फटाफट से कट कर लेती हूँ। और उसके बाद में उतार के थोड़ी देर पहले मैं वो निकाल लूँगी, क्या बोलते हैं उसको, कस्टर्ड निकाल लूँगी। अभी मैं फटाफट पहले फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबू भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद इफ्तार का टाइम हो जाएगा बाबू, ठीक है। और हैदू को तो मैंने मेडिसिन दे दी हूँ, अगर रात में थोड़ा सा लगेगा तो लेके चले जाएंगे डॉक्टर के पास, अदरवाइज तो उतर जाएगा उसका फीवर। वो एक्सर्शन से हुआ है, वो एक्चुअली कल स्कूल से आने के बाद तुरंत अपन उसको लेकर गए, उसको रेस्ट भी नहीं मिला, और सुबह से उठा था वो, है ना, और डायरेक्ट रात में उठा, ठीक है ना। चले मैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक। तो फ्रेंड्स, इफ्तार का टाइम हो चुका है, और आज इफ्तार में सिर्फ मैंने कस्टर्ड और वाटरमेलन कट किया है, तो क्योंकि कल बहुत ज़्यादा खा लिए थे और आज हैदू भी सोया है, तो मेरे को कुछ दिल नहीं हुआ बनाने का। तो चलो इफ्तारी कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी, जिसके लिए प्याज फ्राई हो रही है, और यहाँ पर मैंने चावल भी रख दी है बॉयल होने के लिए, और यहाँ पर मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया है, और साथ ही साथ में हैदू भी उठ गया है। तो हैदू को कैसा लग रहा है बेटू, कैसा लग रहा है बेटा, आपको ठीक लग रहा है? देखो फीवर दिखाओ। नहीं, फीवर तो नहीं है, अभी पूरा मुंह उतर गया है ना। चलो मैं बना लेती हूँ, फिर खाना देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिरयानी रेडी है, ये देख सकते हैं आप, और साथ ही में मैंने नहीं, मैंने ग्रीन कलर ऐड ही नहीं किया आज, सिर्फ रेड कलर ऐड किया था। और दाल भी बन चुकी है फ्रेंड्स, और मैंने सैलेड भी बना लिया है। ये देखो बिरयानी की शक्ल दिखा देती हूँ तुमको, कैसी लग रही है? अच्छा, ये बिरयानी को खाओगे? ये बिरयानी है कि पापा है? और तुम एयरपोर्ट लगा के क्या कर रहे हो? चलो आओ आओ और बताओ मुझे कैसी बनी है, मैं निकाल देती हूँ। बाबू बताओ ना कैसी बनी खाना, बताओ बिरयानी। हाँ। जल्दी जल्दी बताओ। गरम है बहुत, देखो धीरे 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 धीरे, आज बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बनाई हूँ। अच्छी बनी? मैंने ये खाया। हाँ, हैदू बताया। हाँ बताओ हैदू।
ये क्या तरीका है बताओ ना। अच्छी बनी पक्का बाबू? चलो ठीक है, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ और देखती हूँ कैसी बनी है। तो क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बनाई है बिरयानी, आपको मैंने जैसे बताया मैं सुबह ही बनाने वाली थी, मतलब इफ्तार के थोड़े पहले ही, और मैंने सोचा था डिनर में यही हो जाएगा, हमको इफ्तार में भी हो जाएगा और डिनर में भी हो जाएगा, लेकिन हैदू की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नहीं बनाया था। तो अभी मैंने बना ली है, तो अच्छी तो बनी है बोल रहे हैं। मैं भी खाना खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।